हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरे फ्रेंड आदित्य का, ये हमारे गांव से ही हैं। हेलो। और तो ये लेटर आया सर्वे ऑफ इंडिया से, उत्तराखंड में इनका सिलेक्शन हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। एंड अभी देखते हैं इसमें है क्या और क्या चीज़ें हैं। इन्होंने ओपन कर लिया है, बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ वीडियो ओपन करते हैं। ये लेटर आया, एज यूजल वही चीज़ें हैं जो दी हुई होती हैं कि इंस्ट्रक्शन है फॉर MTS कि आपका क्या ग्रेड पे होगा एंड क्या आपका बेसिक पे होगा और क्या क्या आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, कि आपका प्रोविजनल अभी तक आपका अपॉइंटमेंट, और जब आप कंप्लीटली फिल कर लोगे क्या क्या आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बाद ही आपका कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी 3 कॉपीज हैं, वो हम देखते हैं आगे क्या है। एक आपका है मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म का 1 कॉपी, एंड फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 कॉपी, एंड फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट 1 कॉपी। नेक्स्ट पेज पे वही इंस्ट्रक्शन है एंड अंडरसाइंड है जो भी ऑफिसर हैं जिन्होंने किया है, जो वहाँ के मेन हेड हैं इस रिक्रूटमेंट के, एंड ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है। एंड ये अटेस्टेशन फॉर्म में एज यूजल यहाँ पे आपको 5x7 का एक फोटो लगाना है। किसी में आपको पासपोर्ट बोला जाता है, किसी में आपको सिंपल 5x7 बोला जाता है। तो ऐसे होते हैं, अटेस्ट वगैरह कराना है या नहीं तो वो इसमें नहीं कराना है। यहाँ पे आपको सरनेम, नेम एंड बाकी डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको अपने रेजिडेंशियल डिटेल देनी है, लास्ट 5 ईयर में आप जहाँ भी रहे हो 1 साल से ज़्यादा, वो सभी डिटेल देनी होती हैं। अगर आप अब्रॉड रहे हो इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो वो भी हैं, एंड फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनकी सबकी डिटेल देनी होती हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका अगर आपके कोई बेटा या बेटी बाहर पढ़ते हैं तो उसकी डिटेल देनी होती है, नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे वो भी हैं एंड कब से वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आएगी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड, जहाँ पे भी ये सिचुएटेड हैं, और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। और ये एजुकेशन डिटेल आपने जो 15 ईयर की एज के बाद फिल की है वो सभी। एंड अगर आप कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वो डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएंगी। यहाँ पे आपके अगेंस्ट अगर कभी कोई केस हुआ है, किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी हुई है, प्रोसिक्यूशन हुआ है, या कोई भी अदर कोर्ट लॉ के तहत कुछ हुआ है, लाइक आपने कुछ गलत किया है या बाई मिस्टेक हुआ है, तो वो सभी आपको डिटेल देनी है। चाहे वो बेशक आपका क्लियर हो गया है या आपका पेंडिंग है, तो सारी डिटेल आपको देनी है। अगर नहीं देते हो तो आपको 420 में आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्यवाही भी हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ दो नंबर आदमियों के नाम देने होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन पे काम आए, ठीक है। एंड ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है, गजटेड ऑफिसर से बनेगा ये, ठीक है। 3 सेट है ये अटेस्टेशन फॉर्म के सेम। आपको सलाह ये दी जाती है कि आप इनके फोटोकॉपीज करवा के रख लें, जिससे कि आपके टाइम पे मिस्टेक ना हो जब आप फिल करें, और मिस्टेक हो भी जाए तो आपके पास ऑप्शन हो। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना पूरा एक ही है, इसकी कोई और कॉपी नहीं बनवानी। फॉर सर्वे ऑफ इंडिया और डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपका कोई भी गजटेड ऑफिसर है उसका साइन चलेगा, काउंटर साइन होगा यहाँ पे स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट का, यानी कि SDM या उसके इक्विवेलेंट रैंक या उससे सीनियर, DM या कोई भी से सीनियर जो भी है। ये आपका मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, आपकी जो भी कंडीशन है, मेनली आपका अनमैरिड हो या मैरिड वही आपका यहाँ चलता है, आपका नाम आएगा यहाँ पे। आप अनमैरिड हो, विडोवर हो या विडो जो भी हो, फॉर मी या फॉर माई फ्रेंड जो इनका लेटर आया, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड आ जाएगा। बाकी में अगर आप मैरिड हैं और आपकी एक ही बीवी या एक ही हस्बैंड है तो वही आएगा। इससे अलग आपका कोई भी है, जैसे आपकी कोई भी अब वाइफ है और आपने एक और शादी कर ली तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपके वाइफ का कोई और हस्बैंड है या आपके हस्बैंड का कोई और वाइफ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये आपका मेडिकल के लिए आया है जो CMO उसे बनेगा, एंड इसकी भी कॉपी करा के लग रही है, बाकी मेडिकल इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इस लेटर में बस इतना ही है, एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, एंड ये लेटर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू वंस अगेन टू माई फ्रेंड आदित्य।